नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नवाबों के शहर लखनऊ में और मेरे पीछे जो आप ये होटल देख रहे हैं होटल सारविन कल मेरा इसी होटल में स्टे था और इस वीडियो में मैं आपको दूंगा वर्चुअल टूर ऑफ दिस होटल और मैं आपको बताऊंगा कि इस होटल में मुझे कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें ऐसी दैट नीड्स इंप्रूवमेंट आ, तो इस वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इस होटल में आ रहे हैं तो आपको उसको बुक करवाने के लिए कितने पैसे पे करने होंगे और कहाँ से मैंने बुकिंग करवाई थी यह सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई ऑल्सो मस्ट टेल यू कि ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है इस वीडियो में मैं जो भी आपको रिव्यू दूंगा वो मेरा एक पर्सनल रिव्यू है क्योंकि मैं यहाँ पर रुका था तो मैं आपको वही रिव्यू इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो में अंत तक बन रही है वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी तो चलिए अब अप, अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों होटल सर्विन लखनऊ के गोमती नगर एरिया में सिचुएटेड है और अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो एयरपोर्ट से करीब 25 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर और अवध बस स्टैंड से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है यह है इस होटल का रिसेप्शन एरिया जहाँ पर आप अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं और गेस्ट की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर कुछ काउचेस भी लगे हुए हैं और साथ ही साथ इस होटल में आपको लिफ्ट की भी फैसिलिटी मिल जाती है अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस होटल के डाइनिंग एरिया की तरफ आप देख सकते हैं ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया अगर हम डाइनिंग एरिया की बात करें तो काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया है अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर आप कुछ फंक्शन पार्टी भी प्लान करते हैं तो आप वो भी यहाँ पर चालीस से पचास बंदों के लिए कर सकते हैं बाकी अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट के अंदर भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शनस मिल जाएंगे जैसे कि आपको यहाँ पर नॉर्थ इंडियन के काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे और उसके अलावा कुछ आपको साउथ इंडियन के भी ऑप्शन मिल जाएंगे तो ओवरऑल अगर हम वैरायटी की बात करें ब्रेकफास्ट में तो ब्रेकफास्ट के अंदर काफी अच्छी वैरायटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी तो दोस्तों यह है इस होटल का रेस्टो एरिया आप देख सकते हैं जो रेस्टोरेंट एरिया है वो काफी बड़ा है जहां पर आप बैठ के अपना ब्रेकफास्ट लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हैं बाकी हमारे रूम के साथ में जो ब्रेकफास्ट था वो कॉम्प्लीमेंट्री था तो हम अपना ब्रेकफास्ट करने आए हैं और ब्रेकफास्ट के करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे खाने का टेस्ट जो है वो किस तरीके का है अगर आप यहाँ पे रूम बुक करवा रहे हैं तो क्या आपको विद ब्रेकफास्ट लेना चाहिए या विदाउट ब्रेकफास्ट लेना चाहिए तो अभी का अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं दोबारा तो बोगाइज़ आई एम फाइनली डन विद द ब्रेकफास्ट और अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट के अंदर जो मेन्यू था उसके अंदर काफ़ी सारी आइटम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी डिसेंट मेन्यू था ऑलमोस्ट हर चीज़ ही उन्होंने कवर करी हुई थी विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट और उसके अलावा अगर हम ब्रेकफास्ट के टेस्ट की बात करें तो जो ब्रेकफास्ट का टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इस होटल को बुक कर रहे हैं और अगर आप विद ब्रेकफास्ट बुक करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसको बुक कर सकते हैं यू विल नॉट फील डिसअपॉइंटेड तो गाइस अभी मैं हूँ इस होटल के कॉरिडोर एरिया में और आप देख सकते हैं कॉरिडोर में दोनों तरफ आपको रूम्स देखने को मिलेंगे तो मैं आपको देता हूँ जल्दी से अपने रूम का वर्चुअल टूर क्योंकि जो होटल का रूम होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जहाँ पर आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं तो चलिए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं किस तरीके का रूम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो हमारे को ये की मिली है इससे एंटर करने के बाद को यहाँ पर प्लेस करेंगे और गाइस एंटर करते ही आपको देखने को मिलता है ये आ, काफी अच्छा सा रूम आ, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा बड़ा रूम है थोड़ा छोटा रूम है लेकिन जस्ट दैट की रूम जो है वो काफी अच्छा है अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा किंग साइज का बेड और अगर हम इसकी बेडिंग की बात करें तो बेडिंग जो है वो काफी अच्छी है नीट एंड क्लीन बेडिंग मिलती है आपको उसके साथ में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो काउचेस मिल जाएंगे और उसके साथ यहाँ पर आपको एक सेंटर टेबल मिल जाएगी आ, तो अगर आप ये कुछ चाय कॉफी वगैरह पीना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैठ करके चाय कॉफी इंजॉय कर सकते हैं उसके अलावा बेड के दोनों तरफ आपको साइड टेबल्स मिल जाएंगे और उसके अलावा यहाँ पर आपको साइड लैम्प मिल जाएंगे रीडिंग लैम्प्स हैं अगर आप पर्सनलाइज लैम्प्स हैं अगर आप कुछ पढ़ना वगैरह चाहते हैं रात को तो आप साइड लैम्पस का इस्तेमाल कर सकते हैं और गाइज़ इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक थर्टी इंच का टी देखने को मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पर सेटअप uh, बॉक्स भी मिल जाएगा आपको बाकी रूम के साइज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो थर्टी इंच का टी जो है वो सफिशियंट है यहाँ पर और यहाँ ठीक इसके ऊपर यहाँ पर आपको एसी भी देखने को मिल जाएगा ये सेंट्रलाइज एसी है विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट अब आगे चलते हैं गाइस यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही रूम में एंटर करते हैं रूम में एंटर करते ही यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा सा आ, मिरर मिल जाएगा जहां पर आप तैयार वगैरह होना चाहते हैं तो यहाँ पर इजिली हो सकते हैं अगर हम लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग भी यहाँ पर अच्छी है यूजली होटल्स में होता है कि जिस तरफ मिरर होता है वहाँ पर लाइटिंग कितनी अच्छी नहीं होती लेकिन यहाँ पर लाइटिंग भी काफी अच्छी है उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक शेल्फ सॉर्ट ऑफ मिल जाती है जहाँ पर आपको टी कॉफी मेकर मिल जाएगा कुछ भी चाय वगैरह कॉफी वगैरह पीना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बना सकते हैं उसके साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बॉटल्स मिल जाएंगी इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी आ, शेविंग किट डेंटल किट और कॉम वगैरह मिल जाती है एक अच्छी पार्ट एक अच्छी बात जो मुझे लगी है इस होटल की वो ये कि यूजली मैंने देखा है होटल्स के अंदर कि यहाँ पर आपको जनरली शू शाइनर नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर आपको शू शाइनर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज लगी मुझे या नीचे देखेंगे तो नीचे आपको बाथरूम स्लीपर्स मिल जाएंगी और उसके अलावा यहाँ पर है मिनी फ्रिज की प्लेसमेंट अगर आप कुछ भी अपने साथ कुछ ड्रिंक्स वगैरह कैरी कर रहे हैं तो आप इसके अंदर रख सकते हैं उसके ठीक बराबर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक काफी बड़ा सा वारड्रोप देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं काफी बड़ा सा वार्ड्रोप है ये जिसके अंदर आप अपना लगेज इजिली प्लेस कर सकते हैं कुछ ड्रॉर्स मिल जाएंगे आपको उसके अलावा हैंगर्स मिल जाएंगे कुछ आपके कपड़े वगैरह आप यहाँ पर इजिली हैंग कर सकते हैं इस तरफ देखेंगे गाइस तो यहाँ पर आपको एक इंटरकॉम मिल जाएगा अगर आपको कुछ भी रिसेप्शन से ऑर्डर या फिर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और बाकी टीवी और डिश टीवी के रिमोट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो ओवरऑल अगर मैं रूम की बात गाइस तो रूम जो है मुझे अच्छा लगा काफी जस्ट डेट थोड़ा सा छोटा है लेकिन आ, अच्छा रूम बना हुआ है तो गाइस अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस रूम के वॉशरूम एरिया की तरफ देखते हैं कि किस तरीके का वॉशरूम यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो वॉशरूम में एंटर करते ही ठीक सामने आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बड़ा सा मिरर उसके अलावा यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा आ, सारी यहाँ पर टॉयलेटरीज रीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और इस तरफ है कमोड की प्लेसमेंट इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है वेट एरिया शावर आपको लगा हुआ है लेकिन कुछ पार्टीशन नहीं है वेट एरिया और ड्राई एरिया के बीच में आई गेस यहाँ पर अगर पार्टीशन होता तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता बाकी अगर हम बात करें टावल्स वगैरह की तो टावल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आपको एक सेपरेटली एक बकेट भी मिल जाएगी अगर आप शावर से नहीं न, नहीं नहाना चाहते हो तो आप बकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ओवरऑल अगर इस रूम की और इस बाथरूम की फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को अच्छा मिला है काफी आ, काफी नीट एंड क्लीन एकदम साफ सुथरा रूम भी है और वॉशरूम भी साफ सुथरा ही मिला है यहाँ पर दोस्तों ये था इस होटल का एक छोटा सा वर्चुअल टूर और अब बात करते हैं कि इस होटल को बुक करवाने के लिए मैंने कितने पैसे पे किए थे तो मैंने पे किए थे टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीजॉर थ्री एडल्टूडिंग ब्रेकफास्ट बाकी आप जानते ही हैं कि होटल के जो प्राइसेस होते हैं वो वो डायनामिक होते होते हैं वो चेंज रहते हैं चेंज रहते अकॉर्डिंग टू द सीजनलिटी तो आप एक बार आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपको कितने का प्राइस मिलता है यहाँ पर आ, बाकी अगर बात करें कि इस होटल में कौन सी चीज मुझे अच्छी लगी तो ओवरऑल जो होटल है वो आ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी है और साफ सुथरा होटल है और उसके अलावा जो ब्रेकफास्ट था वो भी काफी अच्छा था बाकी मैंने यहाँ पे लंच और डिनर तो ट्राई नहीं किया तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि वो भी अच्छा होगा या नहीं बाकी ब्रेकफास्ट जो था वो अच्छा था आपने देखा ही उसके अंदर वैरायटी भी काफी ज्यादा थी और दूसरी चीज जो मुझे इस होटल की अच्छी लगी वो है इस होटल की लोकेशन इसकी जो लोकेशन है वो काफी प्राइम लोकेशन में होटल है गोमती नगर में पड़ता है लखनऊ के जो की आ, काफी पॉश एरिया है लखनऊ का काफी साफ सुथरा एरिया है गोमती नगर और अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी आप इजिली अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं बाकी अगर बात करें कुछ नेगेटिव की तो एज सच मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा जिसको मैं पॉइंटेड करना चाहूंगा सारी चीज़ें ओवरऑल अच्छी थी सर्विसेज भी अच्छी थी और उसके अलावा खाने का मैंने आपको बताया कि वो भी अच्छा था आ, बाकी अगर आप चाहें तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इन फ्यूचर भी इस तरीके की वीडियोस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा तो मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत